सुखी सर फाइनली अपन लोगों का BGMI 1.8 वर्जन का अपडेट यहां पर आ चुकी है। सर आप में से काफी लोगों का वेट था कि अपना स्पाइडरमैन मोड कब देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड गेम प्ले वीडियो आप लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर BGMI 1.8 वर्जन में हम लोग को कुछ न्यू बेसिक सेटिंग्स देखने को मिले जो कि A to Z बेसिक्स हैं, जिसमें आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सुखी सर ये वीडियो काफी हेल्पफुल है गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो BGMI या फिर पबजी मोबाइल में या फिर बहुत दिनों से खेल के आ रहे हो लेकिन आप लोग को ये सारे सेटिंग्स के बारे में नॉलेज है नहीं, कुछ सेटिंग्स आपके इनेबल डिसेबल हो जाते हैं, आप बहुत ही परेशान रहते हो, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। गाइज सबसे पहले सेटिंग्स अपन लोग बात करते हैं जो कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे यहाँ पर फाइनली आ चुका हूँ। एंड गाइज यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंट्रोल्स की बात करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर एडवांस कंट्रोल्स की बात करेंगे। सो गाइज सबसे पहले अपन लोग बेसिक कंट्रोल्स में देख लेते हैं, एडवांस कंट्रोल में काफी सारे सेटिंग्स है, सारे नॉलेज मैं आप लोग को देने वाला इस छोटी सी वीडियो में। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करो एंड फुल वॉच जरूर से करो। सो गाइज चलो अपन लोग सबसे पहले फायर सेटिंग्स की बात करते हैं, जो कि डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन को अपन लोग अगर ऑलवेज ऑन पे रखते हैं तो इसका क्या काम होती है। तो गाइज सबसे पहले जैसे कि जानो आप 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर खेलते हो तो ऑब्वियसली डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन होती है ना, आपका मेन फायर बटन होती है। तो गाइस यहां पर देखो फायर बटन से भी फायर कर सकते हो एंड गाइस स्कोप मोड पे भी आपका फायर बटन दिखती है। एंड गाइस जैसे कि आप यहां पर स्कोप ऑन कर देते हो सिर्फ, तो देखो फायर बटन आपका गायब हो चुका है, सिर्फ स्कोप मोड पे ही आपको फायर बटन देखने को मिलेगा, यानी कि स्कोप ऑन करोगे तो ही आपको फायर बटन देखने को मिलेगा। तो ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं Instagram पे DM आते हैं कि भाई मेरा फायर बटन गायब हो चुका है। तो ऑब्वियसली आप लोग ये सेटिंग्स कर लेते होगे कि आपका ऑलवेज ऑन नहीं रहता, स्कोप ऑन रहता होगा। एंड गाइस अगर आप यहां पर क्लोज कर देते हो तो गाइस यहां पर ना ही आपको फायर का बटन ऐसे शो होगी और ना ही आपका स्कोप मोड पे शो होगी। तो गाइस यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग ऑलवेज ऑन पे ही रखना, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलो गाइस अपन लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। तो गाइस यहां पर अगर आप लोग टैप पे रखते हो तो गाइस सबसे पहले देखो, एंड गाइस आप लोग रिलीज पे रखते हो तो आप लोग देखो, तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, टैप पे रखोगे ना तो आप फायर बटन को एक बार क्लिक कर दोगे तो आपका फायर हो जाएगा, यानी कि एक बार फायर बटन को आप टैप कर दोगे तो आपका यहां पर फायर हो जा रहा है गाइस यहां पर, ठीक है। एंड गाइस यही चीज को अगर आप रिलीज पे रखते हो तो जस्ट आप लोग देखो, तो गाइस रिलीज पे रखोगे ना, देखो मैं फायर बटन को क्लिक करके रखा हूं लेकिन हम लोग का फायर नहीं जा रहा, यानी कि वो रिलीज नहीं हो रहा, रिलीज यानी कि होल्ड टैप का काम हो जाता है। जस्ट यहां पर देखो मैं फायर बटन क्लिक किया हूं, देखो टच का आइकन मेरा उंगली यानी कि फिंगर फायर बटन पे, लेकिन फायर नहीं हो रही है। जैसे कि मैं वहां पर अपनी फिंगर हटा दूंगा तो फायर होगा, यानी कि आप समझ सकते हो कितना लेट से ये काम होती है। तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आप टैप पे इसको सेलेक्ट करके रखना। देन गाइस चलो फटाफट से अपन लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की, जो कि यहाँ पर शॉट गन फायरिंग मोड, इसकी भी बात करें तो गाइस यहाँ पर अपन लोग को टैप पे ही रखना चाहिए। एंड गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि स्कोप मोड, सबसे ज्यादा भाई यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं Instagram पे DM भी आते हैं कि इसको कैसे रखें, टैप होल्ड या फिर मिक्स्ड पे। तो चलो यार सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं टैप पे। अगर स्कोप मोड को आप टैप पे रखोगे ना तो आप एक बार टैप करते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर एक बार टैप करोगे तो आपका स्कोप यहाँ पर ओपन होगी। तो गाइस जैसे कि मैंने टैप करके यहाँ से फिंगर को अपना हटा दिया, तो गाइस यहाँ पर स्कोप मोड हम लोग को टैप पे होती है, ठीक है। तो ये टैप पे आप लोग को रखना चाहिए या फिर होल्ड पे आप लोग जस्ट देखो। एंड गाइस जैसे कि आप होल्ड पे रखते हो तो होल्ड में जस्ट देखो, जब तक आप फायर बटन को सॉरी गाइस स्कोप बटन को आप क्लिक करके रखोगे यानी कि टच करके फिंगर आप लोग देख सकते हो, तो ही तक हम लोग का स्कोप काम होगी। जैसे आप वहां से हटा दोगे अपने फिंगर को तो वो हम लोग का स्कोप वहां से हट जाएगा। एंड गाइस यहां पर आप मिक्स पे रखते हो तो गाइस मिक्स का क्या काम होती है, जैसे कि एक बार टैप करोगे तो यहाँ पर हम लोग को टैप जैसा काम होगा, एक बार टैप करोगे तो। और गाइस जैसे कि 0.3 सेकंड तक टैप करके रखोगे 1, 2, 3, तो गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये होल्ड का काम करती है। तो मिक्स्ड भी रख सकते हैं लेकिन गाइस यहाँ पर जो बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे BGMI क्रिएटर वगैरह सभी लोग रखते हैं, मेरा रिकमेंड अगर मेरी बात मानोगे तो मैं होल्ड पे इसको रखता हूँ। देन गाइस यहाँ पर चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक सेटिंग आता है कैमरा रोटेशन वाइल ADS। तो गाइस यहाँ पर ADS का काम होता है स्कोप मोड के, जैसे गाइस यहाँ पर स्कोप को क्लिक करके आप इधर उधर टच कर रहे हो ना, यानी कि ड्रैग कर रहे हो इधर उधर घिस रहे हो तो वो काम कर रही है, लेकिन ये पिक पे काम नहीं कर रही है। तो पिक के लिए क्या सेटिंग है मैं बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर जो जायरोस्कोप प्लेयर होते हैं ना वो यहाँ पर कैमरा रोटेशन वाइल ADS को ऑफ रखते हैं, जैसे कि डिसेबल रख दिया तो देखो टच करके मैं इधर उधर घिसने की कोशिश कर रहा हूँ वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रही। बाकी आप नो जायरो हो तो इसको इनेबल जरूर से करके रखना। एंड गाइस यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर क्विक स्कोप स्विच, ठीक है। तो क्विक स्कोप स्विच क्या काम होती है, तो आपको लगता होगा कि मैं स्कोप को जल्दी ओपन कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे स्कोप जल्दी ओपन नहीं होती गाइस। इसका क्या वर्क होती है देखो आप लोग। तो गाइस चलो अपन लोग यहां पर देख लेते हैं क्विक स्कोप स्विच, अगर आप इसको सेटिंग्स को इनेबल करके रखते हो ना तो यहां पर आप लोग को देखो सबसे पहले एक छोटा सा स्कोप का ऑप्शन मिलेगा जो कि आप क्विक स्कोप स्विच यानी कि स्कोप जल्दी जल्दी पलट सकते हो या फिर बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी बोलो। तो यहां पर देखो छोटा सा स्कोप देखने को मिल रहा है, कभी मैं 3x लगा सकता हूं, 6x लगा सकता हूं, रेड डॉट लगा सकता हूं, यानी कि मेरे पास जितने भी स्कोप रहेंगे ना मैं बैग से चेंज नहीं करूंगा, सडनली जल्दी जल्दी कर लूंगा। एंड गाइस चलो यहां पर बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेटिंग्स, जो कि यहां पर कैंटेड साइड बटन की बात कर लेते हैं, जो कि टैप टू यूज या फिर स्विच हम लोग को यूज करना है। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्कोप जैसा हम लोग को एकदम लेफ्ट साइड में छोटा सा देखने को मिल रहा है, तो आप कंट्रोल में जाकर स्कोप के साथ भी सेटिंग करके रख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि यहां पर 4x में मैं इस फायर लगा रहा हूं, एंड गाइस यहां पर सिंपली उस बटन को अगर मैं क्लिक कर दे रहा हूं तो यहां पर रेड डॉट जैसा बन जा रहा है, यानी कि कैंटेड साइड बन जा रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा बैग का स्पेस लेता है, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड गाइस मेरा काम है बताना, आप लोग इसको देख सकते हैं।
जैसे कि टैप टू स्विच करोगे तो गाइस यहाँ पर देखो आपको स्कोप अलग से खोलना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये रेड डॉट और आपका स्कोप भी आ जाएगा। तो आप कोई भी गन एआर गन के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। गाइस चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस अपन लोग को एक सेटिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि फोकल लेंथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काफी लोगों को सवाल रहता है कि फोकल लेंथ होल्ड पे रखें या फिर हम लोग टैप पे रखें। तो चलो गाइस यहां पर जैसे कि आप होल्ड पे रखोगे ना तो यहां पर देखो एडजस्ट ऑप्शन को क्लिक करके यानी कि 6x पे काम करते हैं, 6x को 3x बनाने में ये हेल्प करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप स्प्रे टाइम 6x को 3x ही बनाते हैं। तो टैप पे रखोगे तो टैप पे काम करेगी, होल्ड पे रखोगे तो होल्ड पे काम करेगी। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग टैप पे ही रखना। सो गाइस यहाँ पर पिक सेटिंग्स की बात करते हैं, अगर आप इनेबल करोगे ना स्क्रीन पे आप लोग को एक पिक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सभी लोग का डिमांड रहता है बिना पिक ऑप्शन का तो गेम प्ले होता ही नहीं, मेरे से तो गाइस होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लोग भी इसको यूज जरूर से करते हो। काफी लोग का डीएम ऐसे आता है कमेंट सेक्शन में आते हैं कि मेरा पिक ऑप्शन नहीं मिलता, तो पिक सेटिंग्स में जाकर आप पिक ऑप्शन को इनेबल करोगे ना तो ही आपको मिलेगा। तो गाइस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। एंड गाइस जैसे ही इनेबल करोगे आपको यहाँ पर पिक एंड ओपन स्कोप देखने को मिलेगा, नीचे कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं लीन मोड, जैसे कि टैप पे काम करोगे तो ये टैप पे ही रह जाएगा। तो गाइस यहाँ पर पीक ऑप्शन ना टैप पे कभी भी आप मत रखना, यानी कि लीन मोड टैप पे आप कभी भी मत रखना, होल्ड या मिक्स्ड पे रखना। अगर आप टैप पे रखोगे ना तो आप बहुत ही गंदे मारे जाओगे, जब आप पीक लोगे तो आपका जो रिस्पांस रहता है ना वो काफी स्लो हो जाएगा। एंड गाइस चलो यहां पर पीक एंड ओपन स्कोप की बात करते हैं। जैसे कि आप पीक लोगे ना तो बार बार आपका स्कोप ओपन होगा, जितने बार आप पीक लोगे तो स्कोप ओपन होगा, तो ये काफी इरिटेट होगा एंड आप लोग को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेटिंग्स को आप लोग डिसेबल हमेशा के लिए रखना। एंड गाइस यहां पर आप बात कर लेते हैं कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, जैसे कि अपन लोग यहां पर बात कर रहे थे कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, उसी प्रकार जैसे कि आप इसको इनेबल रखते हो कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग को तो पिक का ऑप्शन को क्लिक करके इधर उधर टैप करके आप खींच सकते हो। लेकिन गाइस अगर आप जायरोस्कोप प्लेयर हो तो आप इसको डिसेबल रखना कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस। एंड गाइस इसको डिसेबल ही आपको रहने देना, आपको इनेबल नहीं करना। नो जायर हो तो ही आप इसको इनेबल करना। सो गाइस चलो अब अपन फाइनली यहां पर आ जाते हैं एडवांस एंड कंट्रोल्स, जो कि इसमें बहुत सारे सेटिंग्स चेंजेस हो चुके हैं 1.8 में, जैसे कि यूनिवर्सल मार्क, ये सब तो खैर न्यू नहीं है। तो जैसे कि यूनिवर्सल मार्क इनेबल रखोगे ना तो यहां पर देखो यूनिवर्सल का एक मार्क मिलेगा, मार्क द लोकेशन, तो ये सब के लिए। एंड हेडशॉट साउंड इफेक्ट इसको ऑन करके रखना, जैसे कि आप बंदे के हेड वगैरह पे मारते हो तो टंग से एक आवाज आती है अगर बंदे पे हेड पे लगता है। तो काफी अच्छा सेटिंग है एंड काफी अच्छा अपडेट है, 1.6 से शायद ये देखने को मिले हैं। एंड गाइस यहां पर शॉटगन फायरिंग, सॉरी गाइस यहां पर जंप एंड क्लाइंब की बात करते हैं, इनेबल करोगे ना तो जैसे ही डिसेबल करते हो तो आप लोग एक जंप ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्लाइंब वाला जो जंप का एक ऑप्शन है ना वो आपको नहीं मिलती है। तो गाइस जैसे कि आप यहां पर इनेबल करोगे ना वो ऑप्शन आप लोग को यहां पर देखने के प्रॉपर शो हो जाएंगे एंड काफी अच्छा ये सेटिंग्स है। एंड गाइस चलो फाइनली अब यहां पर बात कर लेते हैं एक ऑप्शन मर्जिंग क्राउचिंग एंड लेइंग प्रोन, जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों को कमेंट अभी भी आते हैं, जो कि 1.6 पे आ चुकी थी। जैसे कि आप यहां पर इनेबल कर दोगे ना आपका प्रोन बटन गायब हो जाती है। आप ज्यादा देर तक यानी कि थोड़ा देर होल्ड करके रखोगे क्राउच बटन को तो आप प्रोन हो सकते हो, नहीं तो आपका प्रोन ऑप्शन डायरेक्ट वाला चला जाएगा। तो ये आप इनेबल करके रखना गाइस, इसको आपको सॉरी गाइस डिसेबल करके रखना। आप लोग को ये प्रोन का अलग से ही बटन एक सही रहता है, ये कॉल ऑफ ड्यूटी वाला सेटिंग आई थिंक है, तो ये प्रॉब्लम करती है गाइस। एंड गाइस चलो यहां पर अपन लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स, जो कि यहां पर ऑटो जंप की बात कर लेते हैं, जो कि इनेबल अगर आप करोगे ना तो ये अपन लोग को देखने को मिले 1.7 से ही शायद देखने को मिले कुछ कुछ मोड पे। तो ये हम लोग को देखने को मिले ऑटो जंप, जैसे कि आप मार्क कर दोगे ना और यहां पर ऑटो जंप सिलेक्ट कर दोगे इनेबल करने के बाद तो ऑटोमेटिकली उस मार्क पे चला जाएगा, ये लैंड हो जाए। काफी अच्छी अपडेट, जैसे कि कभी कभी फ्रेंड्स के साथ गपशप में आप भूल जाते हो फॉलो वगैरह करना तो ये काफी अच्छा है। आप यहां पर मार्क करके छोड़ दो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे आपको लैंड कर देगा एंड थोड़ा सा भले डिले है, मतलब धीरे धीरे लैंड करोगे और आप अपने से लैंड फास्ट कर सकते हैं। एंड गाइस बात करते हैं टैप दी स्क्रीन टू मार्क दी लोकेशन, इसको इनेबल रखते हैं तो क्या काम होती है। जैसे कि आप इसको इनेबल रखोगे ना तो यहाँ पर आपको मैप में कहीं भी आप मार्क करोगे ना एक आपको लेजर लाइट, एक लाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि इसका क्या काम होती है वो तो आप लोगों को गेम प्ले में पता चलेगा। जैसे कि आप लैंडिंग वगैरह करते हो ना तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्रॉब्लम होती थी कि हम लोग को बार बार मैप देखना पड़ता था, लेकिन ये जो हम लोग को लाइट देखने को मिली एंड कभी कभी भूल भी जाते थे हम लोग आखिर लैंडिंग करना कहाँ है, लेकिन ये लाइट से काफी अच्छे से आप लैंडिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड गाइस चलो यहाँ पर आप थ्रो कंसुमेबल्स का ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि अपन को देखने को मिले हैं थ्रो कंस्टमेबल्स, ठीक है, इसको इनेबल करते हैं। जो कि ये पुराना अपडेट है लेकिन थोड़े से नाम वगैरह चेंजेस हो चुके हैं, इससे क्या होता है अपने जो आप हेल्थ किट वगैरह मेडिकिट यानी कि अपने जो मेडिसिन वगैरह रहते हैं आप किसी को भी मतलब थ्रो करके दे सकते हैं अपने फ्रेंड को, हेल्थ किट, एनर्जी ड्रिंक सभी को। तो उस चीज के लिए गाइस अगर आप इसको इनेबल रखोगे ना तो ही आप यहां पर अपने फ्रेंड को कोई भी चीज दे सकते हो, जैसे कि थ्रो करके आप दे सकते हैं, जो कि 1.7 या फिर 1.6 अपडेट में अपन लोग को ये देखने को मिला था। तो वही चीज़ के लिए गाइज अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो आपको वो थ्रो कंस्टेबल काम नहीं करने वाली है। एंड जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर थ्रोएबल क्विक विल्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आप लोग थ्रो कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, यहाँ पर देख सकते हैं सभी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर नेट ले सकते हैं एंड गाइज यहाँ पर स्मोक ले सकते हैं एंड ग्रेनेड वगैरह जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं तुरंत से। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है थ्रोएबल क्विक विल, जो कि अपन लोग को शुरू से ये अपडेट देखने को मिले, ये न्यू नहीं आई है 1.8 अपडेट में, तो इसको आप स्विच पे ही रख सकते हैं।
तो चलो गाइस यहाँ पर अपन लोग नेक्स्ट सेटिंग्स की बात कर लेते, जो कि टैप द स्क्रीन टू मार्क द लोकेशन। ठीक है, तो इसको क्या, इसका क्या काम होती है, जैसे कि आप अगर इसको इनेबल करोगे ना, तो जैसे कि आप लोग को मार्क, जैसे कि मैप में देखो यहाँ पर एक लंबी लंबी लाइंस आप लोग को देखने को मिल रही है, तो ये शायद मैं आप लोग को बताया था या फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, तो ये लंबी लंबी लाइंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली आप जहाँ पर मार्क करके रखोगे। तो काफ़ी अच्छी अपडेट ये 1.0 अपडेट में हम लोग को देखने को मिला। एंड गाइस चलो अपन लोग अब नेक्स्ट सेटिंग्स की बात करते हैं। एडवांस एंड कंट्रोल्स में ट्रांसपेरेंट UI मोड का काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो BGMI या फिर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वगैरह ये सब आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये सब गायब हो जाती है, थोड़ा सा स्क्रीन साफ हो जाता है, तो ये सेटिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका काम यही होता है। एंड गाइस चलो अपन लोग अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आती है गाइज अपन लोगों का स्लाइड। ठीक है, स्लाइड एरेना, इसको आप इनेबल करके ही रखना गाइज। इसको क्या काम होती है, जैसे कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो ना, तो गाइज यहाँ पर आप एरेना वगैरह या फिर TDM मैचेस खेलते हो तो आप स्लाइड टाइप को होते हो, वो चीज़ के लिए बनाया गया। अगर आप इसको टैप करके रखोगे तो सिर्फ आप क्राउच हो सकते हैं, तो इसका यही काम होती है। एंड गाइज चलो आप हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं गाइज, FPP मोड की बात कर लेते हैं। तो FPP स्वैप अगर आप डिजेबल करोगे तो स्क्रीन पर आपको FPP वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। एंड गाइज यहाँ पर अगर आप इनेबल कर देते हो तो यहाँ पर आपको FPP मोड यानी कि फर्स्ट पर्सन वाला देखने को मिलेंगे, जो कि काफी लोग FPP खेलते ही होंगे, तो यहाँ पर FPP वाला ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड गाइस FPP डायनेमिक होल्डिंग भी आपको सेम नीचे देखने को मिल रहा होगा। तो FPP डायनेमिक होल्डिंग का काम क्या होता है, थोड़ा सा गन ऊपर नीचे हो जाते हैं और कुछ ऐसा खास वर्क नहीं है, तो आप लोग इतना मैं आप लोग को यहाँ पर FPP से रिलेटेड बता दिया हूँ। सुबह से चलो अपन लोग यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, जो कि स्प्रिंट सेंसिविटी आ चुका है एंड थर्ड पर्सन नो स्कोप, ये सब पहले देख लो। सॉरी गाइस, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव व्यूज, जैसे कि आप TPP खेलते हो तो यहाँ पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा व्यू देखने को मिलेगा, 90% पे अगर आप रखोगे यानी कि 90 पे रखोगे। एंड गाइस फर्स्ट पर्सन के लिए अगर आप खेलते हो FPP मोड, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर तो 90 पे ही आप यहाँ पर रखना, जो कि काफ़ी अच्छा आप लोग को ज़्यादा व्यू देखने को। एंड गाइस यहाँ पर स्प्रिंट सेंसिविटी आप यहाँ पर 100 पे ही रखना, काफ़ी अच्छा आपका जॉयस्टिक काम करेगी। एंड गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं AM Assist की, जो कि गाइस यहाँ पर AM Assist को अगर आप इनेबल रखोगे ना, ये चुंबक की तरह काम करता है, जैसे कि बंदे के हेड पे ना ऑटोमेटिकली ये काम करती है। आप AM Assist का ऑन करके एरेना या फिर TDM खेलना, आप ज्यादा से ज्यादा बंदे को किल कर पाओगे, तो AM Assist का ये काम होती है। बाकी डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड गाइस यहां पर आप लोग बात कर लेते हैं, जो कि मैन स्क्रीन ऑडियो मेकर्स जो है ना, इसका क्या काम होती है, जैसे गाइस आप यहां पर रेड में अच्छे से देख सकते हैं, ? ऑप्शन क्लिक करोगे तो आफ्टर डेथ मैच, ये सिर्फ आफ्टर डेथ मैच में काम करती है। जैसे कि आप यहां पर देखो आफ्टर डेथ मैच में ऑन कर दिया, और यहां पर देखो रेड आप लोग को एक छोटा छोटा देखने को मेरा आइकन, जो कि एनिमी या फिर एनिमी कहां से फायर कर रहा, कहां फुटेज स्टेप वगैरह आ रहा, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड गाइस जैसे कि यहां पर बात कर लेते हैं ऑटो मार्क हिट लोकेशन, जैसे कि यहां पर देखो एक लोकेशन शो हो रहा है, जैसे कि बंदे को आप एक बार भी हिट कर दोगे उसको लग जाती है, या फिर आपका टीममेट्स में से कोई भी मार देता है तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कहां है बंदा। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा कि उस लोकेशन पे एक मार्क आ रहा है, तो वहां पर आप भी बंदे का किल चुरा सकते हो, यानी कि अपने टीममेट का किल चुरा सकते हो। काफी अच्छा अपडेट है यहां पर 1.8 वर्जन में। एंड गाइस यहां पर बात कर लेते हैं अपन लोग हीलिंग प्रॉम्प्ट, जो कि इसको इनेबल करके रखना। हीलिंग प्रॉम्प्ट इनेबल करोगे ना, तो यहां पर लेफ्ट साइड में देखो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी ड्रिंक बता देगा, या फिर आपका कोई भी जैसे कि 70% से भी आपका हेल्थ कम है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड कर देगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है। तो ये काफी अच्छा सेटिंग है, आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं। एंड गाइस चलो यहाँ पर अपन लोग नेक्स्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर सब कुछ लगभग हो चुका है गाइस। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली यूज बैंडेज इसको इनेबल रखना, जो कि एक बार बैंडेज के ऑप्शन को क्लिक कर दोगे ना, तो 70% तक ऑटोमेटिकली जब तक आपका हेल्थ रिकवर नहीं हो जाती ऑटोमेटिकली बैंडेज लेटर रहेगा। एंड ऑटो ओपन डोर्स वगैरह आप लोगों को पता ही है, इनेबल रखोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। एंड गाइस यहाँ पर ब्लॉक साइड बनने की बात कर लेते हैं, जैसे कि देखो एक ब्लॉक का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ब्लॉक का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो चलो अपन लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप इसको डिजेबल रखते हो ना, तो यहाँ पर आप लोग को ब्लॉक का ऑप्शन शो नहीं होगा, फायर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको लगेगा कि मैं फायर कर सकता हूँ, लेकिन ये फेक फायर होगा, कुछ फायदा नहीं होने वाली है। तो आप इसको इनेबल करके रखना, आप लोग को पता चल जाए कहाँ ब्लॉक है कहाँ ब्लॉक नहीं है। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो, इसको इनेबल करके रखो तो पैराशूट टाइम में फॉलो वगैरह आपको कोई नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए गाइस यहाँ पर। ठीक है, जो बार बार परेशान करता है आपको। एंड जायरोस्कोप की बात कर लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ऑलवेज ऑन स्कोप एंड क्लोज तो पता ही है। एंड गाइस जायरोस्कोप रिवर्स के बारे में आप लोग को नहीं पता, तो जैसे इनेबल अगर आप यहाँ पर करोगे ना, देखो मेरा जायरोस्कोप उल्टा काम कर रहा, आप लोग को तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपके डिवाइस पर जायरोस्कोप है तो आप लोग पता कर सकते हैं कि जायरोस्कोप बहुत ही उल्टा काम करेगी। तो ये सेटिंग आप लोग डिजेबल करके ही रख सकते हैं। एंड गाइस चलो अपन लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं AM फीचर्स। ठीक है, AM फीचर्स इनेबल और डिजेबल का क्या काम होती है। तो AM फीचर्स जैसे कि आप इनेबल कर दोगे ना, देखो डिजेबल में आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिल रही है। एंड गाइस जैसे कि AM फीचर्स को इनेबल कर देते हो, तो यहां पर आप लोग को एक AM का ऑप्शन मिल जाता है यहां पर, ये अपन लोगों को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाला
रिमोट टाइम पे आया है, यानी कि 1.56 अपडेट पे ही हम लोग को देखने को मिला था। एंड गाइस जैसे कि एम फीचर टैप होल्ड मिक्स जैसे कि लीन मोड और स्कोप मोड पे होती है उसका वही उसी तरह का काम होता है। एंड कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस जैसा होता है, कैमरा रोटेशन वाइल फीचर, तो इसको आप चाहो तो इनेबल डिसेबल रख सकते हैं, तो इसका यही काम होती है। तो यहाँ पर प्रॉपर जितने भी सेटिंग्स है 1.88 में जो न्यू आए एंड जो ओल्ड में भी थे, आप बिगिनर्स प्लेयर हो, बीजीएमआई या फिर पबजी प्लेयर, तो सारा कुछ बता दिया। सेंसिटिविटी से रिलेटेड बहुत जल्द यहाँ पर आ रही है, तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर से करना, वीडियो जल्द आ रही है। तो चलिए यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।